धर्मशाला के मैक्लोडगंज बाजार में तिब्बती मॉडल व उसके दोस्तों और पुलिस के बीच मारपीट के वीडियो का मामला गरमाता जा रहा है। मामला कुछ दिन पहले का है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी तिब्बत की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल तेंजिन मारिको पर डंडे बरसाती दिख रही हैं। वीडियो में तेंजिन मारिको ये कहती भी सुनाई दे रही हैं कि एसपी को कॉल कर शिकायत करूंगी। महिला पुलिसकर्मी डंडे बरसाना बंद नहीं करती है। ट्रांसजेंडर मॉडल तेंजिन मारिको को भी गुस्सा आ जाता है और महिला पुलिसकर्मी के हाथ से डंडा छीन लेती हैं और हवा में लहराते हुए ज़मीन पर फेंक देती हैं। इस वीडियो पर लोगों के कमेंट आ रहे हैं और कुछ लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की जांच की बात कही है। एसपी ने कहा कि वायरल वीडियो में पुलिस और विदेशी व स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट जांच का विषय है। इसे लेकर भी जांच की जाएगी कि कहीं पुलिस की तरफ से एक्सेस फोर्स का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनका मेडिकल भी करवाया गया। ये सभी नशे में धुत थे और हुड़दंग मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि मामला किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि हुड़दंग को लेकर है। लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने और शांति भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस नियमों के अनुसार कार्रवाई करती है। मैक्लोडगंज में हुड़दंग मचाने के मामले में पुलिस ने ट्रांसजेंडर मॉडल तेंजिन मारिको और उनके दोस्तों सहित कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें 2 नाइजीरियन महिलाएं भी शामिल थीं। तिब्बती और विदेशी पर्यटकों ने हंगामा कर पुलिस टीम के कार्य में बाधा पहुंचाई। एसपी ने कहा कि फाइल देखने से लग रहा है कि लोगों का अल्कोहल लेवल नॉर्मल से 5 से 6 गुना ज़्यादा था।